नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई एक दलित बेटी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। तारीख 14 सितंबर थी जब हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी की थी। गैंगरेप के बाद हैवानों की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई थी, दलित बेटी के जीभ तक काट दी थी। 14 सितंबर से जिंदगी की जंग लड़ रही हाथरस की बेटी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। गौरतलब है कि हाथरस जिले के थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 19 साल की दलित युवती पशुओं को चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही चार युवकों संदीप, लवकुश, रामू और रवि ने उसके साथ हैवानियत की थी, फिर जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया था। युवती की चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़े तो चारों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने एक एक करके वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस बीच पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी है, जिसमें जिक्र किया गया है कि 14 सितंबर की घटना के बाद युवती की जीभ कटी थी और गर्दन भी टूटी थी। सीओ ने 22 सितंबर को महिला कांस्टेबल संघ अस्पताल में पीड़िता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उसने इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। इसके बाद आरोपियों पर IPC की धाराओं में बढ़ोतरी कर सभी को जेल भेज दिया गया है। इस बीच पीड़िता की मांग थी कि दरिंदों को फांसी दिलानी है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक उन्हें खतरा रहेगा। परिवार चीखता रहा, पुलिस अनसुना करती रही। पुलिस ने क्यों कहा, गलती परिवार से ही हुई है, क्या ऐसे मिलेगा हाथरस की निर्भया को इंसाफ। परिवार वालों को घर में बंद कर दिया गया था। गांव वालों को सैकड़ों पुलिस वालों ने डंडे के जोर पर घेर कर खड़े हो गए थे। परिवार वाले चीखते रहे कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार करने दो, सुबह तक इंतजार कर लो। भाई बोलता रहा कि बहन को अंतिम बार देखने दो, लेकिन पत्थर हो गया था पुलिस वालों का कलेजा, जीत पर अड़ गए थे अफसर की रात में ही करना है अंतिम संस्कार। जबरदस्ती थोप दी गई थी अंतिम विदाई। बता दे, पहले पुलिस गैंगरेप का मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थी। वो आधी रात को परिवार की इच्छा और परंपरा के खिलाफ पीड़ित बेटी का अंतिम संस्कार कर रही थी। हाथरस में पुलिस की पूरी टीम आधी रात को शव लेकर पहुंच गई थी। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अफसर मौजूद थे, लेकिन एक भी अफसर ऐसा नहीं था जो बता पाता कि रात के अंधेरे में आखिर क्यों हो रहा है अंतिम संस्कार। बता दें, यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झलक रहा है। दिल्ली के जिस सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाला। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। इस मसले पर यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है और विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर ये मसला बड़ा होता जा रहा है, जहां लोग पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।